जय श्री माता जी। समस्त ध्यान यात्रियों को इस चेतना का सादर प्रणाम। शुभारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान यात्रा का। सभी ध्यान यात्रियों से निवेदन है, इस यात्रा के लिए अपने अंतःकरण को तैयार कर लें। इस यात्रा पर साथ देने वाले अपने समस्त संगी साथियों को अपने मध्य हृदय में आमंत्रित कर लें। जहां पर आसीन है साक्षात श्री मां,
और उनके साथ उनके दरबार में उपस्थित हैं समस्त देवगण, और उनके सामने है इस विश्व की सबसे बड़ी सामूहिकता, जागृत चेतनाओं के रूप में जो अपने सूक्ष्मतम अस्तित्वों में ध्यानस्थ हैं, अपने मन चित्त चेतना जागृति वे समस्त संवेदन इंद्रियों वे समस्त ज्ञान इंद्रियों को अपने हृदय में बुला लें और स्वयं भी अपने सूक्ष्मतम अस्तित्व में उपस्थित हो जाएं इस सामूहिकता के बीच में। हृदयेश्वरी के श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा भक्ति निष्ठा लगन व समर्पण के साथ साष्टांग प्रणाम करेंगे। उनके श्री चरणों से फूटने वाली ऊर्जा की धारा को अपने सहस्त्रार वे अपने समस्त रोम छिद्रों से आत्मसात करते हुए ध्यान मुद्रा में बैठकर ध्यानस्थ हो जाएंगे पूर्ण विचार रहित अवस्था में। अपनी चेंद्रा चेतना को केवल और केवल इस दिव्य चरणामृत को आत्मसात करने में ही बनाए रखेंगे। मध्यम गति से
भीतर में बहती हुई ऊर्जा की यह धारा श्री निराकारा के सानिध्य को और प्रगाढ़ कर रही है। श्री निराकारा की उपस्थिति हमारे रोम रोम पर आसीन देवगणों को अत्यंत आनंद प्रदान कर रही है। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमारा रोम रोम ऊर्जा से लबरेज हो पुलकित हो रहा है। जैसे समूचे अस्तित्व में एक दिव्य उत्सव घटित हो रहा है। प्रवाहित होती ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला कंपन मानो अनेकों प्रकार के वाद यंत्रों से फूटने वाले संगीत की तरह आनंद दे रहा है। इस निरानंद की मधोशी में डूबती हुई हमारी चेतना जैसे समाधि में उतरती जा रही हो,
अस्तित्व विहीनता की लहरें अस्तित्व रहितता की ओर हमको ले जाती जा रही हैं। आंतरिक अस्तित्व हमारी चेतना में मुखर होता जा रहा है। बाह्य अस्तित्व इस विलक्षण अस्तित्व में विलय हो रहा है। मेरा स्वयं मुझको अपनी ओर खींच रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं अपने स्वयं की छाया हूं।
शनै शनै छाया रूपी मैं अपने वास्तविक मैं में समा रहा हूं। एकीकृत हो रहा हूं मैं जब मुझ में रहता हूं तो यह संसार मिट जाता है। और जब मैं मुझसे कुछ दूर होता हूं तो अपने चारों ओर संसार को पाता हूं। यानी मेरी छाया के इर्द गिर्द ही तो संसार है। और जब यह छाया अपने वास्तविक अस्तित्व में समा जाती है तो संसार का लोप हो जाता है और बाह्य अस्तित्व का भास भी मिट जाता है। और फिर मैं में परिवर्तित हो जाता हूं। जो मैं सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है जो मैं सनातन है जो मैं आदि व अंत है सत्य है
मैं ही आदि हूं, मैं ही सत्य हूं, मुझसे ही जीवन का प्रारंभ होता है और अंततः जीवन मुझ में समा जाता है। धीरे धीरे इस मैं की समाधि में पूरी तरह
डूब जाएंगे। भीतर के मैं की समाधि एक सुखद निद्रा का आभास दे रही है। विचारों का अभाव ही तो वास्तविक निद्रा है। आम निद्रा में विचार स्वप्न का रूप धारण कर लेते हैं, किंतु इस निद्रा में विचारों का ही अभाव हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप
वह स्वप्न में परिवर्तित नहीं हो सकते। यह सजग निद्रा हमारे संपूर्ण नर्वस सिस्टम को कितना आराम प्रदान करती है महसूस कर सकते हैं। विचार रहितता हमारे भीतर रहने वाली विलक्षण विभूतियों को अनुभव करने का एक अत्यंत सुंदर मार्ग है। जिन विभूतियों से भी हम एकाकार होना चाहते हैं तो उसके लिए पूर्ण रूप से
अस्तित्व विहीनता का अनुभव करते हुए विचार शून्यता के आवरण में उस विभूति पर अपनी चेतना को केंद्रित करें। वही विभूति आपकी चेतना में मुखरित होना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ देर के लिए इसका प्रयोग हम सब कर सकते हैं। जो भी प्रिय हो उस पर अपनी चेतना को केंद्रित करेंगे। जैसे जैसे वह विभूति हमारी चेतना के साथ एकाकार होना प्रारंभ हो जाएगी, वैसे वैसे हम महसूस कर सकते हैं हमारे मध्य हृदय, हमारी विशुद्धि, हमारे आज्ञा, हमारे सहस्त्रार, इन चारों स्थानों पर ऊर्जा का तीव्र खिंचाव हमको अनुभव देगा। आप में से बहुत से लोग इन लक्षणों का अनुभव निश्चित रूप से कर रहे होंगे।
के उपरांत हम भीतर ही भीतर उस विभूति के साथ वार्तालाप करेंगे, एक मूक और मौन वार्तालाप। इसके उपरांत हम शिवांश के अस्तित्व में महसूस करेंगे, मैं शिवांश हूं, मैं ही तो सदा शिव का अंश हूं।
शिवांश के एहसास के साथ स्वयं को देखेंगे, स्वयं के अस्तित्व को जो मानवीय स्वरूप में उपस्थित है। मैं शिवांश अपने मानवीय आवरण की ओर दृष्टि डालता हूं। मैंने यह मानवीय आवरण धारण किया है। मेरे इस आवरण के इर्द गिर्द अनेकों जीवात्माएं मेरे नाते रिश्तों और नजदीकियों के रूप में उपस्थित है। मैं उनके भीतर के शिवांश को देखता हूँ। मैं उनके भीतर के शिवांश के साथ ही जुड़ता हूँ। मेरा संबंध इसी अंश के साथ है। किंतु उनको अपने इस सत्य का आभास नहीं।
मैं शिवांश इस संसार पर दृष्टिपात करता हूं। इस संसार में मुझे अपने माता पिता का उनकी ऊर्जा का एहसास होता है। किंतु वह ऊर्जा इस संसार का हिस्सा नहीं है, वह ऊर्जा इस संसार में लिप्त नहीं है किंतु व्याप्त है। मैं इस संसार से परे हूं, पर इस संसार में मानवीय ध्येय के भीतर उपस्थित हूं। यह संसार मेरे माता पिता की रचना है। और इस रचना में वे प्रकृति और सौंदर्य के रूप में भी परिलक्षित होते हैं। मैं केवल उस दिव्य सौंदर्य के प्रति ही आकर्षित होता हूं।
मेरे लिए मानवीय उपलब्धियां निर्मूल हैं। निर्थक है, निष्प्रभावी है, मानवों का सांसारिक लगाव मेरे भीतर निर्लिप्तता निर्मोहता और निर्विकारिता को उत्पन्न करता है। क्योंकि मैं अनासक्त हूं, सांसारिकता के प्रति मोह मेरे भीतर नीरसता को उत्पन्न करता है। क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, इसीलिए मैं साक्षी हूं। मैं दृष्टा हूं। मैं निरीक्षित हूं। मैं निर्भावना हूं।
मानवीय चेतना में मेरा एहसास ही मुक्ति का पर्याय है। जो भी मानव अपनी चेतना में मुझे प्राप्त करता है वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। और फिर मात्र इच्छा से कार्यरत रहता है। मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही प्रकाश के स्रोत का मार्ग हूँ। जब मानवीय चेतना
मुझको प्राप्त कर लेती है। तो मानव की आंखों के माध्यम से मैं ही तो परिलक्षित होता हूं। मैं ही तो उसकी दृष्टि में समाया होता हूं। मैं ही अंतिम साध्य हूं। मैं ही मानव का उपास्य हूं। मुझको ही तो भीतर में अनुभव करने से मानव के कर्म फल निष्क्रिय होना प्रारंभ हो जाते हैं। मेरी ही तो प्राप्ति के बाद मानव पाप और पुण्य के विचार और भावना से मुक्त हो जाता है।
मेरी उपस्थिति का एहसास मानव को जीवन और मरण की इच्छा से मुक्त कर देता है। ना तो मानव जीवन की इच्छा रखता है और ना ही मृत्यु की कामना करता है। वह तो बस माता पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। और उनकी इच्छा मेरे माध्यम से ही तो हृदय में प्रस्फुटित होती है। मैं ही तो माता पिता की इच्छा का संचालन करता हूं। मैं ही तो उनकी इच्छा का स्वरूप हूं, क्योंकि मैं शिवांश हूं। मैं शिवांश हूँ। मैं शिवांश हूँ। शिवांश के इस एहसास के साथ ही ध्यान की यात्रा का समापन होता है। जय श्री माता जी।